वेलकम यू ऑल। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा है कि दो बैलों की कथा संघर्ष बनाम मुक्ति की गाथा है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये हमने ना अपने स्कूल टाइम में एनसीईआरटी में भी पढ़ाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जब दो बैलों की कथा लिखी गई थी ना, उसका टाइम था 1931, है ना, यानी आज़ादी से कुछ टाइम पहले। तो दो बैलों की कहानी उस टाइम प्रकाशित हुई थी और भारतीय राष्ट्र, पहले हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं उस टाइम का दौर, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान और विकास की दृष्टि से ये समय गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक असहयोग के द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था। मतलब गांधी जी के आदर्शों, असहयोग और अहिंसा को अपना कर पूरी तरह अपने जो राष्ट्र है उस पर अपना राज प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है। इस युग में महात्मा गांधी प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई विचारधारा दी थी। कौन सी विचारधारा? सत्य और अहिंसा की। कदाचित प्रेमचंद इस विचारधारा से प्रभावित थे, मतलब प्रेमचंद भी इस विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने इस आधार को बल देने हेतु अनेक कहानियां लिखी थी। यानी प्रेमचंद गांधी जी की इस विचारधारा का पूरा समर्थन करते थे और इसी के माध्यम से उन्होंने एक और कहानी लिखी थी जिसका नाम था दो बैलों की कथा। ये कहानी अगर ध्यान से देखें तो साम्राज्यवाद वर्सेस लोकतंत्र की कहानी, वैचारिकता पर आधारित कहानी है। यानी उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से दिखाया है ऐसा। झूरी काछी के दो बैल, मतलब झूरी काछी जो हैं उनके ना पति पत्नी है, ये झूरी और काछी, उनके दो बैल हैं हीरा और मोती, कथा के संवाहक है। यानी हीरा मोती की ही बात होते हुए कहानी चलती है, जो प्रेमचंद के विचारों पर आरूढ़ होकर कथा को विस्तार देते हैं। एक तरफ हीरा और मोती, दूसरी तरफ आदमियों की जमात। यानी एक तरफ तो हीरा मोती हैं जो पशु होकर भी मानवीय व्यवहार करते हैं और वहीं पर दूसरी ओर झूरी है, उसकी पत्नी है, साले हैं, साले की पत्नियां, और कांजी हाउस का चौकीदार है और कसाई है और दो छोटी बच्चियां हैं। तो ये पात्र इस कहानी में होते हैं। झूरी दोनों बैलों का मालिक है और झूरी अच्छा होता है, उन पर जान छिड़कता है और बैल भी झूरी पर जान देते हैं। मतलब ये जो पात्र हैं, झूरी हो गए, हीरा मोती हो गए, ये क्या है, ये लोकतंत्र, यहाँ मतलब हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है। परंतु झूरी की जो पत्नी है साम्राज्यवाद का प्रतीक है। झूरी जो है अपनी पत्नी से दबता है, ये जानते हुए कि उसके ससुराल में उसके बैलों की दुर्गति होगी, वह बैलों को ससुराल भेज देता है। यानी झूरी अपने ससुराल भेज देता है। यहाँ से क्या होता है, प्रारंभ होती है हीरा मोती के संघर्ष की कहानी। परंतु पहले चरण में संघर्ष में जो हीरा मोती पगहा तुड़ाकर अपने घर आ जाते हैं, यानी हीरा मोती को जबरदस्ती भेजा तो जाता है उसके यहाँ झूरी के ससुराल में, लेकिन फिर वो वहाँ से वापस भाग आते हैं। परंतु झूरी की पत्नी के साम्राज्यवादी मानसिकता के को भाजक बनकर फिर झूरी और जो झूरी होते हैं उसे अपने बैलों को उसके ससुराल भेजना पड़ता है। यहाँ जहाँ पर इन पर अत्याचार होता है, घोर अत्याचार होता है, मुट्ठी रस्सी से इन्हें बांध दिया जाता है, हार्ड तोड़ मेहनत उनसे कराई जाती है और खाने को भी नहीं दिया जाता। यह है संघर्ष का चरम बिंदु। दोनों बैल जो बच्ची की मदद से घर से भाग जाते हैं, परंतु रास्ता भूलकर वे कांजी हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वे एक नई गुलामी का शिकार हो जाते हैं। एक कसाई को बेच दिया जाता है, मतलब कांजी हाउस से उन्हें क्या कहते हैं, कसाई को बेच देते हैं। इसके बाद वे मुक्ति की इच्छा से कसाई के चंगुल से भाग खड़े होते हैं, अंततः अपने मालिक झूरी के घर तक पहुंच जाते हैं। ये कहानी दो विचारधाराओं का द्वंद्व प्रस्तुत करती है, साम्राज्यवाद और लोकतंत्र। झूरी दो बैलों बच्ची लोक झूरी जो है और जो दो बैल हैं और जो बच्ची हैं वो तो लोकतंत्र के पोषक चरित्र के रूप में हमें दिखते हैं, और वहीं पे झूरी के जो पत्नी है, उसके साले, साले की पत्नियां और कसाई जो है वो साम्राज्यवादी मानसिकता के पोषक हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। परंतु संपूर्ण कहानी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। हीरा और मोती असहयोग अनशन अपनाते हैं, वे अपने धर्म की दुहाई देते हैं, उसमें स्वामी भक्ति है, वे साम्राज्यवादी शक्ति से लड़ते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और तदनंतर हम देखें तो ये कहानी निजी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है वो कहानी है, निज के स्वतंत्रता की कहानी है। हीरा और मोती कहीं ना कहीं
तत्कालीन समाज में जो व्याप्त शोषण और गुलामी है उसका प्रतीक है, उनके संघर्ष और फिर मुक्ति का प्रेमचंद औजार है। क्योंकि 1930 से 31 के समय संपूर्ण कहानी भारत देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, वह एक लंबी दास्ता से मुक्त होना चाहता था। यह कहानी संघर्ष और मुक्ति के इस विडम्बनापूर्ण जो पूर्ण स्थिति की ओर संकेत करती है, वो विडम्बनापूर्ण जो स्थिति है उसी की ओर ये संकेत करती है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा सरल भाषा में थी और एग्ज़ाम में कम टाइम है, इसलिए मैंने स्पीड में भी आपको कवर करवाया है। आपको अगर मतलब पढ़ के ही आसान समझ में आ जाएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि संघर्ष बिना मुक्ति की कहानी इस वजह से है क्योंकि पहले झूरे के ससुराल दिए दो बैल जाते हैं, फिर वहाँ से कांजी हाउस चले जाते हैं, कांजी हाउस से फिर कसाई के पास, फिर अंत में वो अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष होता है और संघर्ष में वो अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, बैल होकर भी अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। तो इसी वजह से संघर्ष बिना मुक्ति की कहानी कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।